सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वाधिसाधिके सन्नित्रम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्ति में शक्ति चैनल के सभी दर्शकों को चैत नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव आप लोगों के घर पे बनी रहे, यही कामना के साथ आज वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में बताऊंगी जो नवरात्रि में व्रत नहीं कर सकते वो माता रानी की पूजा कैसे करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति कैसे करें। तो आज इस वीडियो में मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल पे जो भी नए दर्शक जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी जानकारी आपसे ना छूटे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय माता रानी की। देखिए, अगर आप माता रानी की व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप या तो शुरू का और लास्ट का माता रानी का, पहले दिन का और लास्ट का व्रत कर लें। पर जो लोगों से ये भी नहीं संभव हो सके वो कैसे करें माता रानी की पूजा, आज मैं इसमें बताऊंगी। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो भी सनातनी होंगे वो या तो आप माता रानी की व्रत करते हो या ना करते हो, लेकिन वो मूर्ति की स्थापना अवश्य करेंगे और मूर्ति पूजा अवश्य करेंगे ताकि माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे। वो माता रानी को स्थापित जरूर करें एक चौकी पर माता जी की। या तो आपके पास पहले से फ़ोटो है तो पहली वाली फ़ोटो की पूजा करें, या फिर नहीं है तो नई फ़ोटो ला लें और एक चौकी पर लाल 1.25 मीटर या 1 मीटर कपड़ा बिछा दें। फिर उस पर माता रानी की प्रतिमा रखें। फिर माता रानी के लिए लाल चुंदरी, उनके लिए माला इत्यादि ला लें माता रानी की पूजा के लिए। ऐसे जो भी आपको संभव हो, यथाशक्ति यथाभक्ति वाला है तो माता रानी नहीं कहती कि आप मुझे इतना सारा सामान दो तभी मैं प्रसन्न होंगी। माता रानी को जो श्रद्धा से आप देंगे माता रानी स्वीकार करेंगे। तो आप माता रानी के लिए जैसे नॉर्मल से जो चीज़ें होती हैं, सिंदूर, गुलाल, अवरक, माता रानी की श्रृंगार की सारी वस्तुएँ, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ इत्यादि का प्रबंध कर ले। माता रानी के प्रसाद के लिए अब बताशा और लौंग का अवश्य प्रबंध रखें, ये माता रानी को बहुत पसंद है। माता रानी को चढ़ाने के लिए आप अरहुल का फूल ले लें और रोज़ सुबह शाम आप माता रानी की पूजा करें। सुबह में तो आप नहा धो के माता रानी की पूजा करें और शाम को अगर संभव हो तो नहा लें, अगर नहीं संभव हो तो आप हाथ पैर धो के माता रानी की आरती अवश्य करें। सुबह के समय आप माता रानी की पाठ करें और प्याज लहसुन ना खाएं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो प्याज लहसुन वर्जित कर दें इन 9 दिनों में, तो माता रानी की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। और नियम पूर्वक माता रानी का पाठ करें, या तो सुबह कर सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते वे सुबह ही पाठ करें बिना खाए पिए, और जो लोग व्रत करते हैं वो तो सुबह और शाम दोनों को पाठ समय पाठ करते हैं। तो जो लोग व्रत नहीं करते हैं वे सुबह के समय माता रानी का पाठ करें, अखंड ज्योति जलाएं और शाम के समय माता रानी की आरती करें। तो इस तरह आप माता रानी के बिना व्रत किए भी माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय माँ जगदम्बे।